हेलो नमस्कार, मैं छोटे बड़े गोल बटुल भालू कैसे हैं आप सब लोगों का दो सब यार बढ़िया हो गए और यार मजे में हो गए। तो बताना सभी कैसे हो सभी लोग। यार आज की इस वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ बायर एपे ने ऐसे ऐसे प्लेयर्स के बारे में, ऐसे तीन यार प्रो अखंडा प्रो प्लेयर के बारे में जो यार सही में हैकर है या नहीं है। उनमें से एक हमारे राय स्टार भी आते हैं और दो का नाम अभी नहीं बताऊंगा, दो का नाम वीडियो के साथ बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना, उनके बारे में जान के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। चलो यार फनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब मार लो, बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं किया तो सेट कर लो, क्योंकि यार यहाँ पे ऐसे फ्री फायर की मजेदार वीडियोस आती रहती है। तो चलो यार वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर यार प्लेयर की बात करना चाहेंगे जो कि यार बहुत ही ज्यादा फेमस है, और भाई इसके अगर मैं अभी यार तीन वर्ड बोल दूं तो यार आप लोग यार समझ जाओगे, 444। जी आप लोग यार अब तो समझ ही होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बात कर रहा हूँ वाइट 444 की, सफेद 34, मतलब सफेद 34, हाँ इसका नाम है सफेद 34 वाइट 444। ठीक है, तो वाइट 444 के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन लगे थे। ठीक है, मैं आप लोगों को वीडियोस यार दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले ये वाली वीडियोस उनकी जो कि बहुत ज्यादा इधर यार निकल के आई थी, जिसमें लाइव स्ट्रीम में एक चाचा जी यार सामने हैक करते हुए पकड़े गए। तो यार लेकिन 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 मेरे भाई लोग, क्या ये वीडियो सही थी? क्या ये वीडियो जिस बंदे ने डाली थी, ठीक है, उस चैनल के बंदे ने पता है क्या कहा था? उस चैनल के बंदे ने कहा था ये वीडियो एडिटर है, और यार ये उसने डालते ही 24 घंटे के अंदर कह दिया गया था, उसने कह दिया था। बट मेरे भालू का इसमें से भी बहुत से लोग कह रहे थे कि उसको तगड़ा सा रुपए खिलाया गया है, या फिर उसने डर के मारे ऐसा बोला कि ये वीडियो एडिट थी वैसे। और यार उस बंदे ने ये भी बोला कि यार ये वीडियो यार मैंने यार खुद एडिट करी थी, ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हो इसमें वाइट 444 ने कहीं पे भी हैक यूज नहीं किया है, तो यार ये वीडियो फेक है पूरी की पूरी तरीके। बट मेरे भालू क्या आप सभी लोगों को लगता है एडिट थी या नहीं हुई थी, ये तो कमेंट में बताना। बाकी यार अच्छा आप लोग ये बताओ, अगर वो वीडियो एडिट थी तो वो जो है वो लाइव कर रहे थे कुछ नीमो टीवी या लोकल कोई प्लेटफॉर्म था, हाँ नीमो टीवी था, ठीक है, तो वहां की वो लाइव उस दिन के प्राइवेट क्यों कर दी गई थी, ये मेरे को यार बहुत ही बड़ा यार इधर डाउट हुआ था उस समय भी और आज भी। ठीक है, तो चलो यार ये तो चीज रखते हैं। फिर उसके बाद उनकी दो दूसरी वीडियो वायरल हुई जिनने यार पूरा यहाँ पे साफ और यार वाइट 444 को और बदनाम कर दिया, ये वाली वीडियो जिसमें भाई यार आप लोग देख सकते हो एम लॉक अपने आप उधर जा रहा है, एक बंदे को यूएमपी से सीएस में मारा और एम उधर भागने लगा। अब ये वीडियो जैसे ही भाई यार इंटरनेट में आई तो भाई यहाँ तो बवाल मच गया, क्योंकि यार यहाँ सब यार भाई सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई जिसमें मिलियन मिलियन व्यूज छापे, और यार बदनामी किसकी हुई, वाइट 444 की हुई। बट मेरे भाई लोग उसके बाद 444 ने इसका भी यार क्लियर करते हुए कहा कि ये जो वीडियो है ये मैं नहीं हूँ, उस दिन यार मेरे को इस कस्टम में जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, बट मैं यार मेरे को बहुत जरूरी काम था तो मैं घर में नहीं था, तो ये मैंने अपने दोस्त को दिया था खेलने को, अब उसने हैक यूज किया तो यार इसमें मैं नहीं कर सकता। अब देखो यार 444 को वैसे यार ये चीज बता दे कि भाई ऐसे फेंकने को तो बहुत से लोग कुछ भी फेंक सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग भी यार यहाँ कन्फर्म नहीं कर सकते कि 444 यहाँ सही बोल रहे हैं या अपने एलिगेशन को झूठा साबित करने के लिए ये बहाने दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों क्या लगता है वाई 444 सही में हैकर है या नहीं है, और मैं आप लोगों को बताऊं कि यार इन सारे प्रूफ से पता चलता है जो वाइट 444 बदनाम हुए थे वो तो चलो अलग बात है, ठीक है हैक की वजह से, बट यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि वाइट 444 सही में यार हैक यूज करते हैं, क्योंकि भाई एक वीडियो दो वीडियो बट यार इतनी ज्यादा और इतनी सारी वीडियो यार कैसे भाई हो सकती है भाई हैकिंग की। अगर यार आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर दिखाऊंगा, बट यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तभी यार सारे के सारे यार आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा जिसमें यार वाइट 444 के ऊपर एलिगेशन लगे हैकिंग के, एक नहीं भाई कम से कम 10-12 वीडियो। तो उन सभी वीडियोज को देखने बाद मेरे को एक कहीं ना कहीं लगा था कि वाइट 444 सही में यार हैक यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग जरूर से जरूर बताना। ठीक है, चलो यार यहाँ पे सेकंड यार हैकर की बात करते हैं जो कि यार जान लेते हैं कि सही में हैकर है या नहीं है। तो भाई वो हैकर है हमारा रोक एफएफ। हाँ यार रोक एफएफ भी आप लोग जानते हो कि जाने माने प्लेयर है, और रोक एफएफ का तो भाई कंट्रोवर्सी इतना बड़ा हुआ था, सॉरी कंट्रोवर्सी कह रहा हूँ, एलिगेशन इतना बड़ा लगा था, मतलब यार जब लगा था ना भाई रोक एफएफ का चैनल तक यार पूरा डेड पोजीशन में चला गया था, हर वीडियो में भाई यार इतने ज्यादा डिसलाइक आते थे। बट यार आप लोगों को मैं वो पहले वीडियो दिखाना चाहूंगा, तो ये वीडियो भैया आप क्लॉक टावर की, जो कि एक बंदा, ये बंदा बहुत शातिर बंदा अगर आपको ना पता हो, जो यार हैक के सारी एलिगेशन की मतलब धज्जियां उड़ा देता है, वाई 444 के भी बहुत सारे यार हैक की वीडियो के इसने यार धज्जियां उड़ा दी, जिससे उसने सही में हैक किया था उन सब वीडियो की इसने धज्जियां उड़ाई है। ठीक है, तो कभी किसी से पिल लेना, इस बंदे से मत पिलना भाई। तो इसी के साथ यार चलो यार यहाँ पे मैं आप लोगों से दिखा देता हूँ कि यार ये जो वीडियो आप लोग जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, तो इसमें यार भैया एम अलग ही जा रहा है, आप लोग देख सकते हो एक बंदे को मारा और यार अगले बंदे में अपने यार अपने आप एम भाग रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो वायरल होने
में बार भाई रॉक एफएफ को इतना गंदा हेट मिला और हैक के एलिगेशन और बहुत लोगों की इंस्पिरेशन थी, तो वो तो भाई डिसलाइक यार मार के जाएंगे। अब सोचो और किसी बंदे से उम्मीद हो, उसका गेम प्ले देख के आप इंस्पायर होते हो कि नहीं भाई ऐसा गेम प्ले मेरे को करना है। बट यार एक दिन यार फिर पता चलता है कि नहीं भाई यार इसका यार कुछ झोल जा रहा है गेम प्ले में, ये हैक यूज़ करता है मूवमेंट के लिए, कुछ ये करता है, ये करता है फलाने ठिकाना। आपको तो लगता है कि भाई जेन्युइन प्लेयर है और भाई यार ये अच्छे से खेलता है और अच्छे से पेल पाल के रामपाल बना देता है। बट यार बाद में जब पता चलता है तो कहीं ना कहीं यार बंदों को यार यहाँ पे दुख तो लगता है यार, वो तो मैं मानता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जब एलिगेशन यार रॉक एफएम में लगा तब यार उसके बाद यार बहुत सारी यार वीडियोस आई और भी बहुत चीजें आई, तो एट द एंड आखिरी में ये पता चला कि रॉक एफएम है वो यार हैक यूज नहीं करते हैं, ये कुछ यार उन्हें लगा रखा था सीन जिसकी वजह से यार ये एम उस तरफ से भाग रहा था, मैक्रो वैक्रो कुछ था, बट यार वो हैक यूज नहीं करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद रॉक एफएम ने यार सॉरी वॉरी भी बोला था और शायद यार मैक्रो वैक्रो लगाना उन्हें बंद कर दिया। ठीक है, तो रॉक एफएम तो यार भाई उस तरह से हैक यूज नहीं करते थे, बट यार उनको जितना गंदा हेट मिला और एलिगेशन लगे वो आज तक चल रहा है। कई बंदे आज भी यार फिर उसके बाद उनके पास उनकी वीडियोस और उनके यूट्यूब देखने साथ ही ना गए। ठीक है, बहुत लोगों ने उसके बाद यार रॉक एफएफ की वीडियो देखना ही छोड़ दिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे यार बात कर लेते हैं थर्ड अपने हैकर की, क्या वो सही में हैकर है या नहीं है। ठीक है, तो उनका नाम है हमारे स्टार ऑफ स्टार राइज स्टार। अब भाई राइज स्टार यार तो भाई इंडियन सर्वर के प्लेयर है भाई, और मेरे यार इंडिया के बस दो ही प्लेयर फेवरेट है, एक कमेंटर में बैज 99 भाई और गेम प्ले में राइज स्टार भाई। अब है तो वैसे बहुत है तगड़े तगड़े भी प्लेयर, मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को राइज स्टार अच्छे लगते हैं और अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना, कुछ नहीं करना मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो भैया राइज स्टार के ऊपर तो यार भाई क्या बोले, एक ने सैकड़ों वीडियोज निकली थी भाई, दिखाने में आओ तो भाई यार एक घंटे की वीडियो बन जाएगी। बट यार राइज स्टार का आप लोग ये भी गेम प्ले देख सकते हो, इसमें भी यार एलिगेशन लगे थे कि राइज स्टार हैक यूज करता है। ठीक है, और भी यार बहुत ज्यादा ऐसी वीडियोस थी, क्योंकि जब का ये गेम प्ले है, ठीक है, आज के समय में सब मूवमेंट की ट्रिक जान गए, आज के समय में आप लोगों को यूट्यूब में हजारों वीडियोज दिखा जाएंगी, हाउ टू इंक्रीज मूवमेंट, हाउ टू ड्रैग हेडशॉट, हाउ टू मूवमेंट एंड वन टैप, ठीक है, ऐसे आप लोगों को हजारों वीडियो मिल जाएगी। बट यार जब यार इन चीजों का नाम और निशान नहीं था तब यार राइज स्टार ये सब चीजें करते थे। जी आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये सब चीजें राइज स्टार करते थे। तो भाई अब लोगों को तो भाई यार भरोसा होने लगा था कि भाई यार ऐसा कौन सा खंडा प्रो प्लेयर है, भैया दुनिया से अलग करोगे तो दुनिया तो अलग करेगी, क्योंकि यार भाई अब यार हर बंदा नहीं खेल पाता है, तो भाई अब एक बंदा कोई अलग लेवल खेल रहा है तो भाई उस पर सख्त होगा, ये तो चलो मानता हूँ। बट यार राइज स्टार ने इधर हार नहीं मानी और उनका गेम प्ले अच्छा रहा, और ये तो यार हैक का एलिगेशन इन पे भाई बहुत समय तक लगा रहा था, राइज स्टार को हैकर बहुत बोलते थे। ठीक है, बट यार एक समय आया जब यार गैरेना फ्री फायर वालों से बहुत रिक्वेस्ट करी गई कि हैकर बहुत ज्यादा बढ़ गए, कृपा करके यार यहाँ पे आईडी बैन करिए, आईडी बैन करिए, तब गैरेना फ्री फायर वाले यार यहाँ पे आईडियां उड़ाना चालू किया, तब जो अचंबा वाला कांड सामने आया वो यार देख के सब यार यहाँ पे चौंक गए, क्योंकि उस समय भाई बड़े से बड़े प्लेयर की यार यहाँ पे आईडी बैन हुई थी, जो जो ग्रैंड मास्टर पुश करता था उनमें से तो बहुत बंदों की आईडी गई थी, एक यूट्यूबर की भी गई थी। ठीक है, और उस समय लेकिन राइज स्टार की आईडी नहीं गई, सेफली रही, इसके बाद से लोगों को पता चला नहीं भाई ये हैकर नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े एक दो यूट्यूबर की जब आईडी चली गई तो भाई राइज स्टार कौन से वीआईपी है, गैरेना वालों के लिए तो सब इक्वल है। फिर यार उसके बाद पता चला कि राइज स्टार का ये जेन्युइन गेम प्ले, फिर धीरे धीरे सबको यार समझ आने लगा। ठीक है, और जब से यार टिप्स एंड ट्रिक बताने लगे लोग, जब से लोग खुद खेलना सीख गए, तो राइज स्टार से भी ओपी ओपी लेवल प्लेयर है। बट यार हम लोग हमारे जो सबसे पहले इतने ओपी प्लेयर थे इंडियन सर्वर के, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे ओपी तरीके से, वो यार राइज स्टार थे, इसी वजह से राइज स्टार की यार लोग इतनी इज्जत करते हैं, और राइज स्टार का भाई गेम प्ले आज भी उसी लेवल पे बरकरार है। ठीक है, तो अगर यार आप भी यार राइज स्टार के फैन हो तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाना। मैं तो भाई यार इन दिनों में राइज स्टार का फैन हूँ, क्योंकि यार भाई एक तो वो इंडियन के, इस वजह से यार इंडियन होने के नाते तो भाई उनका करता हूँ, बट और भी चीजें हैं कि यार भाई यार राइज स्टार देखो यार अपनी यार दोस्ती नहीं भूलते भाई यार कभी, जो कि ज्ञान सुजन से उनसे बनाई, वो जब इस लेवल पे थे तब ज्ञान सुजन ने उनको अपने साथ लिया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा तो ज्ञान सुजन ने कम्युनिटी में भाई कितने बंदों को उठाया और उनको छोड़ के सब चले गए। अब मैं नाम नहीं लेने चाहता हूँ, सब आजकल भाई यार 8-8, 9-9 मिलियन में बैठे हैं, बट यार एक राइज स्टार सिर्फ ऐसे हैं जो कि भाई यार शुरू से ज्ञान सुजन के साथ आज तक है। ठीक है, इसी वजह से मेरे को बहुत ही यार अच्छे लगते हैं फ्रेंडशिप के मामले में तो खासकर। होप करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और भाई यार जैसे कि मैंने बताया कि इनमें से कौन हैकर था और कौन नहीं था, भाई एक ही हैकर था जो कि यार मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो यार होप करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मार देना, अपने ओपिनियन बताना हो तो जरूर से जरूर बता देना। बाय बाय भाई।